हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गोपा और मेरे चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गुलदाउदी का प्लांट्स के बारे में, उससे जुड़े कुछ बातें हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं गुलदाउदी के मेरा जो है प्लांट्स में कलियाँ आना चालू हो गए हैं। अब कलियाँ आने के बाद उसके बाद ख़ास क्या देखभाल करना है, इसी टॉपिक पे आज बात करेंगे। इससे पहले जो जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद हो लाइक ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, देख सकते कलियाँ तो आ चुके थे, तो अब पहले हमको क्या करना है, जैसे ब्रांच इधर उधर नहीं जाए, चारों तरफ से इस तरह से डंडियाँ लगा के हमको प्लांट्स को इस तरह से बांध देना है ताकि ब्रांचेस इधर उधर ना जाए। और कलियाँ आ चुके हैं इसलिए कहीं भारी हो के ब्रांचेस इधर उधर नहीं चल जाए, इसलिए इस तरह से हमको चारों तरफ से डंडियाँ लगा के इस तरफ से बांध देना है। ये काम बहुत ज़रूरी है गुलदाउदी के लिए, इससे जो है प्लांट्स का जो शेप भी ठीक रहते हैं। देख सकते हैं कलियाँ भी आ चुके थे, तो ये सबको हम बांध दिए हैं। उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, इसके बाद हमको फर्टिलाइजर पर खास ध्यान देना है। तो अब मिट्टी देख सकते हैं, मेरा मिट्टी जो है बिल्कुल सूखे मिट्टी है। अब इस पर हम कुछ फर्टिलाइजर हम डालेंगे। देख सकते हैं मिट्टियाँ सूखी हुई मिट्टी है। इसके बाद हम देखते हैं क्या फर्टिलाइजर डालते हैं। ये मेरा जो है सरसों का खली का लिक्विड जो खाद होते हैं वही है, बहुत लाइट है, पतला सा है, इसके ऊपर हम यूज़ करेंगे। ये जो है मेरा बनाना पील चाहे ऑरेंज का जो छिलके वगैरह जो है हम डिब्बे में रख देते हैं, इसी का जो है लिक्विड हम इसमें थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं। ये दोनों को मिला के हम दोनों को मिला लेते हैं। मिलाने के बाद यही हम प्लांट पर यूज़ करेंगे। अभी जो है कलियों को फूल बनने में कुछ ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए अच्छे फर्टिलाइजर की भी ज़रूरत पड़ेगा। तो इस फर्टिलाइजर को हम अच्छी तरह से दे दिए। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा।